हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ कैची केमिस्ट्री। ये वीडियो में हम लोग सॉलिड स्टेट का फॉर्मूला शीट देखेंगे। प्रीवियस जो वीडियो था उसमें मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, ये सभी चैप्टर का फॉर्मूला शीट जो है अपलोड कर दिया है। आज हम लोग जो देखेंगे ये है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट क्या है, क्लास 12 का चैप्टर 1 है, चैप्टर नंबर 1। तो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट, और उसका फॉर्मूला शीट हम लोग देखेंगे जैसे कि प्रीवियस फॉर्मूला शीट हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर पूरा जो चैप्टर में जो जो फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो जो टेबल है जो इंपॉर्टेंट है बहुत, वो मैं सॉलिड स्टेट में डिस्कस कर दूंगा। सिर्फ यहाँ पर एक चीज मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वो है डिफेक्ट। डिफेक्ट का एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, क्योंकि उसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता तो वो फॉर्मूला शीट के अंदर नहीं आएगा। तो पहला जो चीज है सॉलिड स्टेट में, आगे बढ़ने से पहले पहला जो चीज है, बहुत बेसिक एक चीज है कि टाइप्स ऑफ सॉलिड, ऐसा एक टेबल होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टाइप्स ऑफ सॉलिड, कितना तरह का सॉलिड एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। तो पहला होता है क्या, मॉलिक्यूलर सॉलिड। देख ही सकते हो मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 तरीके का हो सकता है, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूल्स ही होगा, स्मॉल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और एटम्स, और पोलर में पोलर मॉलिक्यूल्स, और हाइड्रोजन बॉन्डेड में मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग एच बॉन्डेड टू एफ ओ एंड एन, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम होना यहाँ पर चाहिए। बॉन्डिंग या एट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर जो होगा, नॉन पोलर के लिए डिस्पर्शन और लंडन डिस्पर्शन फोर्स बोल सकते हो, ये वीकेस्ट फोर्स है, एक वीकेस्ट वैंडरवाल्स फोर्स है। पोलर में डाइपोल इंटरेक्शन, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला कलम बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर पूछ सकते हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड का सपोज पूछ लिया कि पोलर है तो उसमें कौन सा इंटरेक्शन फोर्स काम कर रहा है, तो आप बोल सकते हो डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये एग्जाम्पल चाहो तो याद रख सकते हो, कोई बार एग्जाम्पल को उठाकर ऐसे बोल देता है कि कौन सा सॉलिड ये है या कौन टाइप का सॉलिड है, जैसे कि HCl बोल दिया तो आपको बोलना पड़ेगा यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ऐसे करके आप एग्जाम्पल भी चाहो तो देख सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में, फिजिकल नेचर क्या है, सॉफ्ट सॉफ्ट और हार्ड। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है बहुत हार्ड होता है, और यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट जो है वेरी लो, लो और लो, तो मतलब सबसे ज्यादा लो होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का, बाकी का लो होता है। बाइंडिंग एनर्जी अप्रोक्सीमेट लेस देन 40, तो ये सभी मॉलिक्यूलर सॉलिड का लेस देन 40 होता है, और ये सभी इंसुलेटर होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता इसलिए करंट को कंडक्ट नहीं करता, मतलब कंडक्टिविटी जीरो होता है। अब दो नंबर टाइप का जो सॉलिड होता है वो है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड क्या है, आयनिक सॉलिड में समझ ही सकते हो, आयनिक मतलब आयन प्रेजेंट होगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स, मतलब कैटायन या एनायन। यहाँ पर बाइंडिंग और एट्रैक्टिव फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलम्बिक फोर्स, ये बहुत स्ट्रांग होता है लंडन डिस्पर्शन फोर्स या डाइपोल से या हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है NaCl, MgO, BaO, ये सब, ये बहुत हार्ड है बट ब्रिटल, मतलब टूट जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, बाइंडिंग एनर्जी भी बहुत हाई है, क्योंकि यहाँ पर इतना बाइंडिंग एनर्जी होता है इसीलिए इसको, इसमें इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है उसको अलग करना बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर। और इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर्स इन मोल्टेन स्टेट, अगर सॉलिड स्टेट में होगा तो इंसुलेटर होगा, कंडक्टर अगर बोलोगे तब मोल्टेन स्टेट में होना चाहिए या एक्वस सॉल्यूशन में होना चाहिए। जैसे कि तुम्हें सपोज दे दे NaCl सॉलिड है, जो टेबल सॉल्ट है या नॉर्मल सॉल्ट है NaCl, तो ये सॉलिड जब होता है तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, पर जब अगर उसको मोल्टेन स्टेट में ले जाओ, मतलब मेल्ट कर दो या उसका एक्वस सॉल्यूशन बना दो, तब जाके ये NaCl करंट को कैरी करता है। तो इसीलिए तुम बोल सकते हो कि ये सभी मोल्टेन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तीन नंबर हो गया क्या, मेटालिक सॉलिड। अब ये मेटालिक सॉलिड क्या है, पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर कोई कोई जगह पे पॉजिटिव आयंस जो है एम्बेडेड कंडीशन में रहेगा, मतलब ये जगह टोटल ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, जैसे कि क्लास 11 में या 9 में तुम थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल को पढ़े होगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में,
तो उसमें ये जैसा बोला गया था कि पॉजिटिव है और उसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड कंडीशन में है, तो यहाँ पर उल्टा बोला गया है, तो नेगेटिवली चार्ज पूरा इलेक्ट्रॉन का एनवायरनमेंट होगा और उसमें छोटा छोटा जगह पे पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स है, जो मेटालिक पार्टिकल्स है, वो एम्बेडेड कंडीशन में रहेगा। तो मेटालिक सॉलिड में ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है और इसमें मेटालिक बॉन्डिंग एक्चुअली देखा जाता है। तो कॉमन मेटल्स या कोई भी एलॉय हो सकता है, हार्ड बर्ड मेलेबल एंड डक्टाइल, तो इसको तुम कोई भी शेप दे सकते हो, ये ब्रिटल नहीं होता। मॉडरेट टू हाई मेल्टिंग पॉइंट, 72,000 बाइंडिंग एनर्जी किलो जूल पर मोल में है और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये मेटल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वहां पर, क्योंकि यहाँ पर लिखा ही है सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है और अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करता है। चार नंबर होता है कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड, इसमें एटम्स प्रेजेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के रूप में और यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो बाइंडिंग या एट्रैक्टिव फोर्स होता है। क्वार्ट्ज, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, ग्राफाइट, ये सभी में ये हार्ड होता है, ग्राफाइट सॉफ्ट होता है, यहाँ इसमें से वेरी हाई होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट और 150 टू 500 किलो जूल पर मोल ये अप्रोक्सीमेट बाइंडिंग एनर्जी होता है। जो भी बोर्ड का एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, जो जो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, जो जो टेबल दिखाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। इंसुलेटर, इंसुलेटर के रूप में काम करता है एक्सेप्ट ग्राफाइट व्हिच इज अ कंडक्टर, ग्राफाइट कंडक्टर के रूप में काम कर सकता है। तो ये हमारा हो गया कि चार तरीके का सॉलिड मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर खुद से तीन तरीके का होता है, पोलर नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड और आयनिक मेटालिक और कोवेलेंट। ये सभी का एग्जांपल किसका क्या फिजिकल नेचर है और क्या क्या बाइंडिंग फोर्स काम करता है बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर से खास करके ये बाइंडिंग फोर्स वाला पार्ट, ये फिजिकल नेचर वाला पार्ट और ये अप्रोक्सीमेट बाइंडिंग एनर्जी और ये मेल्टिंग पॉइंट वाला पार्ट, ये चार पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर से बहुत बार पूछ चुका है कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट आयनिक सॉलिड का होता है, सबसे हार्ड भी आयनिक सॉलिड भी होता है, तो ऐसे करके तुम यहाँ से बोल सकते हो। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब हम लोग चले आते हैं सॉलिड स्टेट का, जो सॉलिड होता है सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा कैसा होता है, मतलब कि सॉलिड में जो क्रिस्टल होता है वो क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, जानते ही होंगे यहाँ पर सात क्रिस्टल सिस्टम होता है और ऑल ओवर अगर क्विक एक रिविजन यहाँ पर हम लोग कर ले तो यहाँ पर देखेंगे कि सात जो क्रिस्टल सिस्टम सात होता है उसका नाम क्या होता है, क्यूबिक होता है। क्यूबिक में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और अल्फा बीटा गामा ये 90 डिग्री होता है। ये ए बी सी क्या है, ये ए एक्चुअली ये लेंथ है, ए ये बी और ये सी, ये ऐसा लेंथ होगा, तो ये जो लेंथ होगा या जिसको तुम एज बोल सकते हो, एज या आर्म भी बोल सकते हो, इसको डिनोट किया जाता है क्या, ए बी और सी से। और जो एंगल्स होता है, ये जो एंगल यहाँ पर बना है, ये जो एंगल यहाँ पर बना है, ये सभी जो एंगल होता है इसको अल्फा बीटा गामा से डिनोट किया जाता है, अल्फा बीटा ये वाला हो गया गामा, तो ऐसे करके डिनोट किया जाता है। तो अल्फा बीटा गामा मतलब क्या, इंटरफेशियल एंगल्स। तो कोई भी क्रिस्टल के अंदर जो शेप बन रहा है उसके अंदर जो एंगल बनता है उसको अल्फा बीटा गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका जो एज लेंथ होता है या आर्म का लेंथ होता है उसको क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, एबीसी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर वो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्यूबिक है तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, क्योंकि एक सिंपल क्यूब का सभी जो आर्म है वो सेम होगा और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होगा। अब यही अगर टेट्रागोनल में कन्वर्ट हो जाए, टेट्रागोनल में अल्फा इक्वल ए इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू सी, मतलब ये सी का जो हाइट है ये देख ही सकते हो, सी का हाइट ए और बी से ज्यादा है, ए बी सेम है पर बी सी जो है यहाँ पर, ए बी सेम है पर सी जो है यहाँ पर इसका लेंथ ज्यादा है, तो ये उसके साथ इक्वल नहीं है और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्यूब को ही अगर थोड़ा सा लंबा कर दो तो उसको टेट्रागोनल बोला जाता है। तीन नंबर जो क्रिस्टल सिस्टम होता है उसको क्या बोला जाता है, ऑर्थोरम्बिक, मतलब कोई कोई क्रिस्टल और ये स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और ऑर्थोरम्बिक में क्या होता है, ए बी सी कोई भी इक्वल नहीं होता, ए बी और सी ये कोई भी इक्वल नहीं होता, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होता है। मोनोक्लिनिक क्या है, मोनोक्लिनिक है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा गामा 90 डिग्री, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब दो एंगल 90 होगा एक एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। तो यहाँ पर से क्वेश्चन आता है कि सपोज तुम्हें बोला जाएगा कि ऑर्थोरम्बिक का कंडीशन क्या है क्रिस्टल सिस्टम का, तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री ये बोलना पड़ेगा। ये ऐसे सपोज दे दे, कंडीशन दे दे और पूछा जाए कि कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है, ये भी तुम बोल सकते हो। हेक्सागोनल में इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा 90 डिग्री, गामा 120 डिग्री। रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल एक ही नाम है, यहाँ पर ए बी सी इक्वल होगा, अल्फा बीटा गामा
सभी के साथ इक्वल है पर 90 के साथ इक्वल नहीं है, मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों जो एंगल होगा वो तीनों के साथ इक्वल होगा पर ये तीनों एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। ट्राइक्लिनिक में कोई भी किसी के साथ भी इक्वल नहीं है, मतलब ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा बीटा गामा खुद के साथ भी इक्वल नहीं है और 90 डिग्री के साथ भी इक्वल नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्रिस्टल में जो सात जो स्ट्रक्चर बन सकता है या क्रिस्टल सिस्टम का जो सात स्ट्रक्चर बन सकता है, ये हमने यहाँ पर देख लिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैंने बोला इसको ही यहाँ पर टेब्यूलर फॉर्म में दिया गया है। जैसे कि समझ ही सकते हो यहाँ पर लिखा गया है क्यूबिक। अब यहाँ पर क्या है, प्रिमिटिव बॉडी सेंटर और फेस सेंटर, इसको क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो ब्रेवेज लैटिस, ब्रेवेज लैटिस। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि क्यूबिक सिस्टम में कौन कौन सा ब्रेवेज लैटिस देखा जाता है, तो तीन ब्रेवेज लैटिस देखा जाता है, प्रिमिटिव बॉडी सेंटर और फेस सेंटर, जिसको एफसीसी बीसीसी और प्रिमिटिव को सिंपल क्यूबिक मतलब एससीबी बोला जाता है। तो ऐसे करके पूछ सकता है। अब ये ब्रेवेज लैटिस क्या है, कोई भी क्रिस्टल सिस्टम में एटम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसको ही क्या बोला जाता है, ब्रेवेज लैटिस बोला जाता है। और एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट पे एक्चुअली प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, ये चार ब्रेवेज लैटिस एक्चुअली होता है। जैसे कि क्यूबिक में सिर्फ तीन ही देखा जाता है, यहाँ पर एंड सेंटर्ड देखा नहीं जाता। अब ये क्या है अगर तुम्हें नहीं मालूम है तो कॉमेंट बॉक्स में लिखना, तो ये मैं डिस्कस इजिली कर दूंगा, कि डिटेल में डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं फॉर्मूला शीट को बोल रहा हूँ और ये क्विक रिविजन सीरीज है, तो इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। अब ये तुमने अभी देखा कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री और एग्जाम्पल के तौर पर ये सब। तो सपोज तुम्हें पूछा जाए कि NaCl कौन सा सिस्टम का सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा क्रिस्टल सिस्टम, आंसर होगा क्यूबिक, KCl भी क्यूबिक। अब ये टेट्रागोनल हो जाए तो यहाँ पर दो ही ब्रेवेज लैटिस देखने को मिलता है, मतलब दो ही एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो शेप के अंदर, एक प्रिमिटिव और एक बॉडी सेंटर, और ये सब तो कॉमन है जो मैंने अभी डिस्कस किया। ऑर्थोरम्बिक ऐसा एक मात्र यहाँ पर क्रिस्टल सिस्टम है जहाँ पर चार जो ब्रेवेज लैटिस है वो देखा जाता है, प्रिमिटिव बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर, ये चारों ही देखा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है कि चारों जो वेरिएशंस है या चारों जो ब्रेवेज लैटिस है वो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम में देखा जाता है, आंसर होगा क्या, ऑर्थोरम्बिक। मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड, हेक्सागोनल में प्रिमिटिव, 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 तो ऐसे करके बाकी लास्ट जो तीन है उसमें प्रिमिटिव ही होगा। और ये कंडीशन भी सेम है, एग्जाम्पल इतना एग्जाम्पल कोई भी स्टूडेंट के लिए याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बोल दे रहा हूँ, NaCl, KCl, ZnS, यहाँ पर से SnO2, यहाँ पर से रोम्बिक सल्फर और KNO3, यहाँ पर से मोनोक्लिनिक सल्फर, यहाँ पर से ग्राफाइट और यहाँ पर से क्वार्ट्ज, ये सभी यहाँ पर से क्वार्ट्ज, ये सभी जो एग्जाम्पल है, CuSO4 भी देख सकते हो, ये सभी जो एग्जाम्पल है, एक दो करके मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर बोल दिया, ये सभी क्रिस्टल सिस्टम में ये सब एग्जाम्पल बहुत बार आ चुका है, बाकी एग्जाम्पल नहीं देखोगे तब भी चल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चले आते हैं कि कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम टू द यूनिट सेल इज एट कॉर्नर, अगर कॉर्नर में कोई भी एटम होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन मतलब क्या, उसका कितना पार्ट क्यूब के अंदर है, मतलब कितना पार्ट और क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर है और कितना पार्ट बाहर है। जैसे कि यहाँ पर देख ही सकते हो, अगर इसको मैंने एक स्फीयर बना दिया ऐसे, तो ये देख भी सकते हो यहाँ पर 7/8 पोर्शन एक्चुअली बाहर होता है और 1/8 पोर्शन अंदर होता है, तो ये 1/8 पोर्शन को ही कंट्रीब्यूशन यहाँ पर बोला जाता है। और ये कंट्रीब्यूशन अगर कॉर्नर एटम है, कॉर्नर एटम में 1/8 होगा, फेस एटम है तो 1/2 होगा, बॉडी का एटम है मतलब अंदर है तो 1 होगा, और अगर हेक्सागोनल का कॉर्नर है, हेक्सागोनल इसका कॉर्नर है तो यहाँ पर इसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/6 होगा, और ये क्यूब का मैं बोल रहा हूँ कॉर्नर में 1/8 होता है, हेक्सागोन के कॉर्नर में 1/6 होता है। और अगर एज के बीच में है, जैसे कि यहाँ पर समझ लो एक एटम है, या यहाँ पर समझ लो एक एटम है, ये ऐसा एज लेंथ है या वो लेंथ का जो आर्म का जो लेंथ है उसके बीच में है, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/4 होगा, 1/4 इसका कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये सब कंट्रीब्यूशन तुम्हें अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, फेस एटम का कंट्रीब्यूशन मतलब सरफेस के अंदर जो एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन हाफ है, बॉडी के अंदर कंट्रीब्यूशन 1 है, हेक्सागोन के कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/6 है, और आर्म का जो लेंथ है उसका जो बीच में जो होता है उसका कंट्रीब्यूशन एटम का क्या है, 1/4, मतलब चार पार्ट में से सिर्फ एक पार्ट ही उसका क्यूब क्रिस्टल के अंदर घुसता है,
3/4 पोर्शन जो है वो बाहर रहता है, तो उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, जो सिर्फ अंदर वाला पोर्शन होता है एटम का उसको ही हम लोग कंट्रीब्यूशन यहाँ पर बोलते हैं। तो यहाँ पर देख ही सकते हो, इसको अगर मैं इरेज कर दूं, यहाँ पर देख ही सकते हो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये एक्चुअली सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर है, सिंपल क्यूबिक इसका डिस्ट्रीब्यूशन का स्ट्रक्चर है। क्यूबिक सिस्टम ही सिर्फ तुम्हारे सिलेबस पे है, उसका ही कैलकुलेशन सिर्फ तुम्हारा है। इसको तुम SC भी बोल सकते हो या तुम इसको प्रिमिटिव भी बोल सकते हो, प्रिमिटिव स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, प्रिमिटिव ब्रेविस लैटिस, जिसमें 8 कॉर्नर में ऐसा 8 एटम होता है और हर एक एटम का 1/8 पोर्शन एक्चुअली घुसा रहता है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, टोटल एटम्स जिसको तुम जेड से रिप्रेजेंट करोगे, ये जेड आगे जाके काम में आएगा, तो क्या होगा, 8 कॉर्नर है तो 8 एटम है, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 है क्योंकि हर एक जो एटम है वो 1/8 करके अंदर घुसा है, 7/8 करके बाहर है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, ये 8 और 8 कट जाएगा 1 हो जाएगा। तो सिंपल क्यूबिक के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है, 1 होता है। ऐसे ही हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे, ये जो एटम है इसके बीच में देखो यहाँ पर 1 एटम लिखा हुआ है, तो 8 कॉर्नर में 8 एटम है तो 8 × 1/8 कंट्रीब्यूशन होगा, प्लस यहाँ पर बीच में देख सकते हो 1 एटम लिखा हुआ है और पूरा घुस चुका है वो बॉडी का एटम है तो 1, तो ऐसे करके आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 2। तो ये टोटल नंबर ऑफ एटम या जेड ये हो गया आपका 2। अब ये इसको क्या बोला जाता है, BCC या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो देखा उसको ये बोला जाता है BCC का डिस्ट्रीब्यूशन। अब नीचे हम लोग अगर चले आते हैं ये होता है FCC। FCC का मतलब क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जो मैंने प्रिमिटिव जो लैटिस होता है उसके बाद ही फेस सेंटर्ड क्यूबिक और BCC, यही तीन सिस्टम क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में देखा जाता है, एंड सेंटर्ड नहीं देखा जाता, तो एंड सेंटर्ड उतना जानने का जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर 1/8 करके हर एक 8 कॉर्नर में है और बीच में ये जो एटम देख रहे हो यहाँ पर हाफ एटम लिखा हुआ है, तो बीच का जो एटम है इसका कंट्रीब्यूशन हाफ होता है। तो कितना सरफेस होता है, 6 सरफेस होता है, तो 8 कॉर्नर होता है 8 × 1/8 प्लस 6 सरफेस होता है और हर एक का एटम हाफ पोर्शन घुसा हुआ है तो इसीलिए हाफ कंट्रीब्यूशन होगा। तो ऐसे करके आपका आ जाएगा 1+3 मतलब आपका आ जाएगा 4। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन FCC इक्वल टू 4। तो ऐसे करके तुम निकाल सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव 1 आता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स BCC में 2 आता है और टोटल नंबर ऑफ एटम्स FCC में 4 आता है। तो जो मैंने यहां पर बोला कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम ऑन द एज, मतलब ये एज मतलब ये जो लेंथ है आर्म का, इसके बीच में जो कोई एटम होगा तो इसका 1/4 कंट्रीब्यूशन होगा। तो ऐसे करके तुम एंड सेंटर्ड क्यूबिक में भी निकाल सकते हो। अब ये एंड सेंटर्ड क्यूबिक एक्चुअली होता क्या है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक एक्चुअली होता है, आपके पास ऐसा अगर क्यूब है जैसे कि मैं यहां पर ही ड्रॉ अगर कर दूं, तो एंड सेंटर्ड क्यूब एक्चुअली क्या होता है, यहां पर 8 कॉर्नर में जो 8 एटम है ये तो प्रेजेंट होगा ऐसे करके, ये 8 कॉर्नर में 8 एटम जो है ये प्रेजेंट होगा, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर और यहाँ पर, ऐसे करोगे तो 8 कॉर्नर में 8 एटम है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 कॉर्नर में 8 है। अब ऑपोजिट जो सरफेस है उसमें क्या है, 2 एटम प्रेजेंट होता है, ऑपोजिट सरफेस में 2 एटम प्रेजेंट होता है, जैसे कि ऊपर वाला ये सरफेस हो गया और नीचे वाला सरफेस में प्रेजेंट होता है। तो 8 कॉर्नर में 8 एटम मतलब 8 × 1/8 और ऑपोजिट सरफेस 2 सरफेस है और उसमें हाफ करके कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि सरफेस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हाफ होता है। तो ऐसे करके अब बोलोगे तो 2 एटम्स हो जाएगा 1+1। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि एंड सेंटर्ड क्यूबिक जो होता है, जो ऑर्थोरम्बिक में ही सिर्फ यहाँ पर ऑर्थोरम्बिक में ही 4 सिस्टम देखा जाता है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में देखा नहीं जाता, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में, तो वो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होता है 2 होता है। तो ये जो मैंने बोला सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव सेल में नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर्स 8 × 1/8, सरफेस में और सेंटर में कुछ नहीं होता, टोटल नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर टोटल एटम्स मतलब ये जेड से डिनोट किया जाता है, जेड मतलब एटॉमिक नंबर भी होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स होता है इन सॉलिड स्टेट, तो ये 1 निकलता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक या BCC जिसको मैंने बोला कॉर्नर में 8 × 1/8 मतलब ये कॉन्स्टेंट ही होगा, ये 8 × 1/8 वाला कॉन्स्टेंट ही है, नंबर ऑफ एटम्स इन सेंटर 1 होता है, तो 1+1 2 होता है।
एफसीसी में क्या होता है, 8 × 1/8 और 6 × 1/2, ये सरफेस में होता है, 6 सरफेस होता है एक क्यूब का, और हाफ करके कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब एक एटम का हाफ पोर्शन घुसा रहता है वहां पर, तो 3 + 1 = 4 होता है। तो ऐसे करके हम लोग टोटल नंबर ऑफ एटम्स या जेड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला में चले आते हैं कि सिंपल क्यूबिक अगर होगा, फेस सेंटर्ड होगा या बॉडी सेंटर्ड होगा, तो उसमें डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स, जिसको डी से डिनोट किया जाता है, मतलब दो एटम ऐसा अगर डिस्टेंस होगा, दो एटम होगा तो उसके बीच का ये जो डिस्टेंस होगा, मतलब ये दो एटम में डिस्टेंस कितना होगा, नियरेस्ट जो एटम होगा उसमें डिस्टेंस कितना होगा। न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे ऐसा तुम्हें बोल सकते कि डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर को कैलकुलेट करो, या डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम को कैलकुलेट करो, तब जाके ये फॉर्मूला तुम अप्लाई कर सकते हो। सिंपल क्यूबिक के लिए ये होता है ए मतलब एज लेंथ, क्योंकि क्यूब का ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है, तो हर एक आर्म जो है वो इक्वल होता है, तो इसीलिए हम लोग ए बी सी को, सभी आर्म को ए ही पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर फॉर सिंपल क्यूबिक इक्वल टू ए होता है, और रेडियस इक्वल टू ए बाई टू होता है। तो एक्चुअली तुम बोल सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर जो होता है ये डायमीटर के रूप में काम होता है, ये एक्चुअली क्या होता है, डायमीटर। तो इसका ही हाफ कर दो तो ये आपका रेडियस हो जाएगा। फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए ये फॉर्मूला हो जाता है ए बाई टू या 0.707 a, और ए बाई रूट टू मतलब a बाई टू रूट टू या 0.3535 a। तो यहां पर अगर a आपको पता चल जाए तो आप रेडियस भी निकाल सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर भी निकाल सकते हो। आगे जाके मैं फॉर्मूला दिखाऊंगा जहां पर नेक्स्ट जो नियरेस्ट नेबर है या उसके बाद वाला जो नियरेस्ट नेबर है उसके बीच में भी डिस्टेंस कैसे निकालोगे, उसका फॉर्मूला भी मैं बोल दूंगा यहाँ पर, बहुत सारे लोग नहीं जानते तो वीडियो पूरा देखना। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो होता है उसका फॉर्मूला होता है √3/2a या √3/4a। √3/4a होगा तो रेडियस या डायमीटर बोलोगे, या दो एटम के बीच में कॉमन रेडियस बोलोगे, डिस्टेंस बोलोगे, तो ये होता है, जिसको ऐसे फ्रैक्शनेट करके दिया गया है। अब ये हम लोग जान ही सकते कि r इक्वल टू डी बाई टू या d इक्वल टू 2r प्योर एलिमेंट्स के लिए, ये हम लोग जानते हैं कि डायमीटर इक्वल टू 2r मतलब 2 × रेडियस। अब आते हैं वॉइड पर। वॉइड क्या होता है, कोई भी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो एटम होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एटम का, पूरा तो जो क्रिस्टल है वो ऑक्यूपाइड नहीं रहता, कुछ कुछ पोर्शन खाली रहता है। तो एक्चुअली वॉइड मतलब क्या है, वॉइड मतलब फ्री स्पेस होता है। तो ये सिर्फ मैं यहाँ पर बोल दूंगा शॉर्ट में, फ्री स्पेस होता है। और ये वॉइड दो तरीके का या तीन तरीके का हो सकता है एक्चुअली, ट्राइगोनल वॉइड, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है 2 × नंबर ऑफ एटम्स, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है नंबर ऑफ एटम्स। मतलब आपके पास अगर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, सपोज आपके पास बोला गया है कि दो नंबर ऑफ एटम्स दो है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी दो होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड 2 × नंबर ऑफ एटम्स मतलब डबल हो जाएगा, मतलब 4 होगा। और टोटल नंबर ऑफ एटम्स मतलब टेट्राहेड्रल प्लस ऑक्टाहेड्रल इक्वल टू 3n, n इक्वल टू यहाँ पर एटम का नंबर बोला गया है, मतलब कितना एटम वहां पर प्रेजेंट है उसका नंबर बोला गया है। तो ऐसे करके आप वॉइड का नंबर भी निकाल सकते हो। ये एक फॉर्मूला था जो मैंने डिस्कस कर दिया। यहाँ पर मैं डिटेल में क्या वॉइड होता है और उसका क्या क्या चीज होता है ये सब नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये फॉर्मूला शीट है, इसमें फॉर्मूला ही मैं डिस्कस करूंगा। अब देखो ये वाला जो पोर्शन होता है ये मैंने प्रीवियस जो चीज है इसमें डिस्कस कर दिया, क्यूबिक, ऑर्थोरम्बिक, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक और हेक्सागोनल, सभी का क्राइटेरिया क्या होता है और ब्रेविस लैटिस कौन कौन सा होता है। टोटल नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस एक्चुअली तुम कैलकुलेट करोगे तो 14 आता है। देखो ये ऊपर 3, फिर यहाँ पर 4, फिर 2, फिर 2, फिर 1, 1, 1, तो यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो 14 आता है टोटल नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस। और एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर जो जो मैंने बोला वहां पर बहुत ज्यादा एग्जाम्पल था, यहाँ पर कम एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये वाला चीज जो मैंने अभी बोला, एटॉमिक रेडियस, इसका फॉर्मूला एस सी मतलब सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी। क्या है, रेडियस इक्वल टू ए बाई टू √3a/4a और ए बाई टू √2, ए मतलब एज लेंथ। यहाँ पर ए दे दिया गया है तो आर निकाल सकते हो, आर दिया गया है तो ए निकाल सकते हो। अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ये हम लोग जानते ही है, 1, 2 और 4 मैंने निकाल के दिखाया अभी कि यहाँ पर सिंपल क्यूबिक के लिए कैसे 1 होता है, बीसीसी के 2 और एफसीसी का 4 होता है। सी नंबर, सी नंबर मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या होता है, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, या इसको सीएन भी बोल सकते हो। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक एटम और कितना एटम से सराउंडेड है। जैसे कि सपोज यहाँ पर बीच वाला जो एटम है ये अगर ऐसा 4 ब्लू एटम से सराउंडेड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा क्या, 4।
कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा क्या 4। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअली क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कोई भी एटम कितना और एटम से सराउंडेड है। जैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक में 6 होता है, बहुत बार पूछ चुका है, यहाँ पर अच्छे से देख लेना। कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी में 8 होता है और एफसीसी में 12 होता है। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब कितना पोर्शन वो क्रिस्टल सिस्टम का जो एटम है वो ऑक्यूपाई करके रखा है, 52%, 68% और 74%। मतलब यहाँ पर सिंपल क्यूबिक में जो एटम होता है वो 52% स्पेस जो है पूरा ऑक्यूपाई करके रखता है, बाकी रिमेनिंग जो वॉयड होता है वो वॉयड कितना होता है, वहां पर अगर सिंपल क्यूबिक के लिए वॉयड निकालना जाओ तो 100-52 ऐसा आ जाता है। तो ये आपका वॉयड हो गया। बीसीसी के लिए 68% स्पेस जो है वो पूरा ऑक्यूपाइड रहता है बाई एटम्स और 32% जो है वो खाली रहता है, मतलब वो खाली होता है, मतलब उसमें वॉइड होता है, खाली स्पेस होता है। और एफसीसी में क्या होता है 74%। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी कहाँ पर दिखा जाता है, जहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है। बहुत सिंपल चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है, देखो 4, तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगा, ऐसे करके आप बोल सकते हो। अब ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के रूप में यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, बीसीसी और एससी में क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ होता है यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है 4 ही होता है और टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है यहाँ पर 8 होता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स 4 है। तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड और 2 into नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू टेट्राहेड्रल वॉइड, तो इसीलिए 4 और 8 यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ऐसे करके तुम दूसरे का भी निकाल सकते हो कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड कैसा होता है, पर सिंपल क्यूबिक या बीसीसी में ऑक्टा या टेट्राहेड्रल वॉइड इतना देखा नहीं जाता जितना एफसीसी में देखा जाता है, इसलिए यहाँ पर डैश दिया गया है, इसलिए वो जानने का जरूरत यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है जो मैंने अभी बोला, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स जो होता है, तो नियरेस्ट नेबर्स का फॉर्मूला सिंपल क्यूबिक के लिए a होता है, जो जिसको मैंने d से रिप्रेजेंट किया था, और नंबर ऑफ नेबर्स यहाँ पर 6 होता है, तो नंबर ऑफ नेबर्स मतलब 6 होता है शेयर्ड बाई 4 क्यूब्स, तो 4 क्यूब्स को शेयर करोगे। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर 4 क्यूब कोई एटम को शेयर कर रहा है तो नियरेस्ट नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर बहुत सारा टेबल है एक्चुअली सॉलिड स्टेट में जहां पर से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट 1 लिखा है मतलब नेक्स्ट नियरेस्ट जो नेबर है, नेक्स्ट 2 लिखा है मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट ऐसा होगा। तो ऐसा पूछ जाए कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर में डिस्टेंस क्या है, तो √3, ये √2 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये अनशेयर्ड और ये शेयर्ड बाई 2 क्यूब, तो ऐसे करके निकाल सकते हो। ये चीज बहुत सारे लोग नहीं जानते कि नियरेस्ट का तो जानते हैं पर नेक्स्ट टू नियरेस्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट ऐसे करके नहीं जानते, उसके बाद वाला क्या होगा वो भी नहीं जानते। तो बीसीसी नियरेस्ट का फॉर्मूला मैंने बोला ही था √3/2 है और नंबर ऑफ नेबर्स 8 होगा। नेक्स्ट टू नियरेस्ट होगा क्या ए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट मतलब ए बाई √2, फिर उसके बाद ए बाई √11/2, ए √11/2 और उसके बाद वाला होगा ए √3, और यहाँ पर देख ही सकते हो नंबर ऑफ नेबर्स कहाँ पर होगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है, एफसीसी में भी सेम नंबर ऐसे फॉर्मूला दिया गया है। नेक्स्ट होगा क्या यहाँ पर डेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सॉलिड स्टेट में, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल का जो टाइप होता है वो एक्चुअली ये डेंसिटी के ऊपर बेस करके बोला जाता है। डेंसिटी जिसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है या ऐसे रो लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसका फॉर्मूला होता है जेड इंटू एम डिवाइडेड बाई एन ए इंटू ए क्यूब, जहां पर एन ए होता है एवोग्राडो नंबर, जहां पर ये होता है 6.023 × 10⁻², या 6.022 भी बोल सकते हो। m मतलब यहाँ पर मोलर मास या एटॉमिक मास बोल सकते हो, a मतलब यहाँ पर एज लेंथ जिसका रेडियस के साथ एक रिलेशन है, एज लेंथ, और z मतलब नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स जो अभी अभी हमने निकाला, नंबर ऑफ एटम्स जो सिंपल क्यूबिक के लिए 1, बीसीसी के लिए 2 और एफसीसी के लिए 4 है। नेक्स्ट हमारा जो चीज यहां पर चला आता है रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो ये एक फॉर्मूला होता है। रेडियस रेशियो इक्वल टू क्या होता है, आर प्लस बाई आर माइनस, आर प्लस मतलब क्या कैटायन का रेडियस, रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ एनायन। तो एक्चुअली रेडियस रेशियो क्या होता है, कैटायन का रेडियस और एनायन का रेडियस का अगर रेशियो निकालो उसको ही रेडियस रेशियो बोला जाता है। अगर ये रेडियस रेशियो ये वैल्यू के बीच में आए, मतलब ये रेंज के बीच में आए, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 3 होता है।
उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइगोनल प्लानर होता है, स्ट्रक्चरल टाइप होता है B2O3 टाइप, और एग्जांपल में B2O3 भी है। तो ऐसे करके तुम्हें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सपोज तुम्हें रेडियस रेशियो कैटायन और एनायन का रेडियस दे दिया गया है, रेडियस रेशियो निकालने को बोला है, तुमने निकाला, पूछा गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है या उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो ऐसे करके बोल सकते हो ये रेंज सेकेंड वाला जो रेंज है इसके बीच में होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, टेट्राहेड्रल होगा, ZNS टाइप का स्ट्रक्चर होगा, दूसरा होगा तो NaCl टाइप का स्ट्रक्चर होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, और लास्ट वाला होगा तो क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, और CaCl टाइप का स्ट्रक्चर होगा। तो ऐसे करके तुम इजीली बोल सकते हो कि रेडियस रेशियो, ये टेबल अगर तुम्हें याद रहे तो रेडियस रेशियो से कोऑर्डिनेशन नंबर या स्ट्रक्चर को तुम डिनोट कर सकते हो। ये सॉलिड स्टेट का एक ही प्रॉब्लम है, बहुत सारा टेबल है और बहुत सारा टेबल को अच्छे से याद करना पड़ता है, तब जाके क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। नेक्स्ट, यहाँ पर कोई बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है जैसे कि NaCl, ZNS, CaCl, CF2, Na2O। यहाँ पर से NaCl, ZNS और CaCl बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछ चुका है, बहुत सारा एग्जाम में, बोर्ड में भी पूछ चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ चुका है, खास करके नीट जेई में सभी में पूछ चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये NaCl, ZNS और CaCl, इसका डिस्क्रिप्शन, जैसे कि NaCl में CCP अरेंजमेंट ऑफ Cl माइनस ये जानना पड़ेगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और Na प्लस होता है ऑक्टाहेड्रल साइट में। तो ऐसे पूछ सकता है कि NaCl स्ट्रक्चर में क्लोराइड आयन और Na प्लस आयन कहां पर होता है, तो Cl माइनस का CCP अरेंजमेंट होता है और Na प्लस ऑक्टाहेड्रल साइड में होता है, दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 6 है, मतलब ये 6:6 तुम बोल सकते हो ऐसे कर। और यहाँ पर दूसरा जो एग्जाम्पल है जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हैलाइड, तो ये सभी जो होता है ये NaCl टाइप का स्ट्रक्चर ही होता है। सपोज आपको बोल दिया AgBr, तो आपने सोचा कि AgBr तो हमने नहीं पढ़ा था, तो AgBr एक्चुअली क्या है, AgBr एक्चुअली NaCl टाइप का ही स्ट्रक्चर है, तो ये सेम चीज ही है। नेक्स्ट, जिंक ब्लेंड, CCP अरेंजमेंट, H2- Zn2+ ऑल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल साइट, दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4-4 है, ये सभी जो एग्जाम्पल ही है ZNS टाइप में ही बिलोंग करता है, तो सभी का स्ट्रक्चर जो है सेम ही होता है। जैसे कि CuBr में तुम्हें पूछा कि कॉपर कहां पर होगा, तो जिंक जहां पर है कॉपर भी वहां पर ही होगा, ऑल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल साइट ही आंसर होगा। CaCl जो होगा ये सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट होता है Cl- का, और CS+ होता है क्यूबिक साइट में, दोनों का ही 8 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, CaF2 में, CCP में Ca2+ और F- में टेट्राहेड्रल, F- जो होता है टेट्राहेड्रल साइड ऑक्यूपाई करता है, Ca2+ का 8 होता है और F का फ्लूरीन का, एक्चुअली फ्लूरीन नहीं फ्लूराइड का 4 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। Na2O में O2- CCP में और Na+ होता है टेट्राहेड्रल साइट में, Na+ का 4 होता है और O2- का 8 होता है, तो Li2OK2S ये सभी यही स्ट्रक्चर में बिलोंग करता है। तो ये पूरा जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट का पूरा जो इंपॉर्टेंट टेबल्स था और फॉर्मूला था ये हमने डिस्कस कर लिया। एक्चुअली यहाँ पर टेबल बहुत ज्यादा है, सिर्फ यहाँ पर एक चीज मैंने डिस्कस नहीं किया जो है डिफेक्ट, तो डिफेक्ट का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो फॉर्मूला के अंदर कोई भी ऐसा नहीं आता, डिफेक्ट का कॉन्सेप्चुअल जो एक वीडियो है वो मैं बाद में डालूंगा, तो अगर वो वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर पसंद आया है तो ये वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल में अगर नया हो तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना।